इन दोनों का नाम दोस्तों मैंने सोच लिया है। ये देखें दोस्तों, ये ऐसे भागते कबूतरों के पीछे हमारे। चलो भाई, ये लो तुम्हारे लिए नेस्टिंग मटेरियल है ये। सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अरे 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 कहाँ आ रहे हो दोस्तों? इनका जो दाना पानी है ना, वो दरअसल हो गया है फिनिश, तो इस वजह से मैं आज जो दाना हूँ वो नीचे से लेकर आया हूँ। ये देखें, तो थोड़ा बहुत लिया था इनको, सुबह भी मैंने इनको नीचे से ही दाना डाला। नीचे का जो हमारा सेटअप है वहाँ से मैं दाना ला के इनको डाल दिया था, और अभी भी तो इनका दाना मैं कल लेकर आऊँगा। अभी जो इनका दाना मैंने सोचा थोड़ा बहुत होगा, पर नहीं दोस्तों, ये देखें बिल्कुल फिनिश लगा पड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ खाली थैली है पड़ी हुई, बस खाली थैली है ये। तो कल इनका दाना पानी लेकर आना है यार लाजमी, और अभी जो है इनको मैं डाल देता हूँ। चलो भाई आ जाओ, पहले इसको खोल दें अपने शिकरे को। आ जाओ भाई, आ जाओ भा, शर्मा रहे हो तुम तो ऐसे। चलो बाहर आओ। ये दोस्तों ऐसे नहीं आएगा, ये अब आएगा बाहर। अब आ गए तुम। एक बात है दोस्तों, हमारी जो मिस्री मुर्गियां हैं वो इनके साथ सेट हो गई हैं, शिकरे के साथ। हमारे शिकरा अंदर मैंने बंद करा था, तो ये उसके बराबर में जाके बैठ गई, और देखे जा रही है कब आए कब आए कब आए। अच्छी बात है, आप लोग भी बाहर आ जाएं मीटिंग करने के लिए। इनको पकड़ के निकालता ना, मुझे डर रहता है कि इनके लगन आ जाए, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से दोस्तों निकल नहीं पाते। सॉरी 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 यार, कॉकटेल हिल जाते हैं पूरे जब भी इनका मैं पिंजरा खोलता हूँ ना, ये तो थोड़ा सा अटकता ही है। ये देखें, ये खुलने में तो इस वजह से पूरा हिल जाता है पिंजरा, और ये डर जाते हैं पूरे के पूरे। तुम इधर आओ यार, इसमें दोस्तों मेरे को वो हो रहा है, ये जो हमारा पिजन है ना, एक ये मेल है, तो इसका मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये या तो जोड़ नहीं मार पा रहा, या फिर वो लगवाती नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, इनको अब सेट हो जाना चाहिए था। चलो जाओ, तुम्हारी माता कहाँ है? माशाल्लाह इतना प्यारा लगने लगा है हमारा जो कॉकटेल है, और सबसे बड़ी बात माशाल्लाह का साइज बहुत प्यारा हो गया दोस्तों इसका, किंग यार। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, इसकी माता ने, कल भी मैंने आप लोगों को बताया, अंडे दिए हैं या नहीं, मुझे मटकी में नहीं झाँक पा रहा, मैं नज़र ही नहीं आ रहा, पर आज मैं इनके साथ मैं कुछ सोच कर आया हूँ कि वो कर दूँ इनके लिए, तो चलें वो अब कर देते हैं दोस्तों। कुछ भी नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें जो है मटेरियल की ज़रूरत है, नेस्टिंग मटेरियल की, ताकि ये जो है अपना घोंसला बना सकें। तो नेस्टिंग मटेरियल मैं हल्का फुल्का इनको डाल देता हूँ, ताकि ये अंडे दे दे जल्द से जल्द। तो नेस्टिंग मटेरियल मैंने नहीं डाला था, मैं अभी कंफर्म करना चाह रहा था कि ये है भी अंडों पर या नहीं, पर मुझे लग रहा है अंडों पर है, क्योंकि जब कॉकटेल की माता हो गई, और भी जो हमारे बजेस वगैरह होते हैं ये सारे जितने तोते हैं मटकी में जाके बैठने लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, मतलब ये अंडों पे ही आ रहे होते हैं और अंडे देने वाले होते हैं। तो चलें अब मैं इनको देता हूँ। अरे यार गिर मत जाना तुम यार, मटेरियल देने से पहले उनको मैं इनको खोल दूँ। हाँ चलो जाओ उधर, चलो जाओ। इन दोनों का नाम दोस्तों मैंने सोच लिया है, इन दोनों का नाम जो है वो मैंने रखा है कोको मोमो। तो दोस्तों ये नाम हमने इनका रखा है, और अच्छा नाम है, बुरा नहीं है। तो दोस्तों येलो वाला जो है हमारा वो कोको यास है, और जो ग्रीन वाला है वो मोमो है। ये आप लोग भी याद रखिएगा और मुझे भी याद दिलाते रहेगा, क्योंकि इतने सारे माशाल्लाह से पेट्स हैं हमारे पास, इतने सारे परिंदे हो गए कि नाम इंसान के दिमाग से निकल जाता है। जैसे कि मैं अपनी डक्स का नाम भूल गया हूँ, मोजो जोजो, काफ़ी दिमाग से मैंने रखा था उनका नाम, और मोजो जो जो रख तो दिया, पर मैं खुद ही भूल जाता था, मैं उन्हें डक्स 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 बुलाता रहता हूँ। खैर ईगल दो मिनट दो मुझे। चलें दोस्तों, पहले हम आज अपना काम कर लेते हैं। इनका नेस्टिंग मटेरियल ये रहा, मैंने संभाल के रखा हुआ था, उसको सेटअप से हट के उधर जाके निकालते हैं दोस्तों, ताकि पीछे हमारे सेटअप पर गंदगी भी ना हो। ये नहीं रख सकते दोस्तों, ये काफ़ी सख्त वाली घास है, तो ये इनके काम नहीं आएगी। ये जो है कबूतर वगैरह ये रखते हैं, या फिर मुर्गी वगैरह रख लेती हैं, पर कॉकटेल जो आप लोगों को पता है इनकी छोटी जो चोच होती है, ये इनके काम की नहीं होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें से जितना नेस्टिंग मटेरियल निकले उतना निकाल लूँ। तो ले दोस्तों, मैंने इतना नेस्टिंग मटेरियल जो है निकाल लिया है, ये देखें थोड़ा बहुत। अब ये चल के मैं उसके उसमें डाल देता हूँ केज में, इनके इनके पिंजरे में, और देखते हैं फिर ये ले जाती है या नहीं।
यार ये डरे ना बस, ये ले जाए याला नेस्टिंग मटेरियल और मैं नीचे से डाल देता हूँ खुला हुआ, थोड़ा कम डालता हूँ शुरू में, देखता हूँ अगर इसको ये राज आता है तो ठीक, नहीं आया तो दोस्तों ये ना हो कि ये डर जाए, क्योंकि देख लेते हैं पहले। चलो भाई ये लो तुम्हारे लिए नेस्टिंग मटेरियल है, ये रख रहा हूँ यहाँ पे, ले जाना मादी गई अंदर। दोस्तों पहले मैं चेक करता हूँ कि ये ले जाती है या नहीं, अगर ये थोड़ा सा वाला नेस्टिंग मटेरियल ले गए तो ठीक है, वरना मैं वाला भी नहीं डालूंगा। तब तक इनका हम करते हैं दाना पानी। दोस्तों मुझे यहाँ पे खड़े हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट, तो मैं यही नोटिस कर रहा हूँ कि कॉकटेल ने अभी तक तो नहीं उठाया। उसकी मादी हांडी से बाहर तो आई थी और अभी भी झांक रही है, पर ये नहीं उठा रही, तो मैं थोड़ी देर और देखता हूँ, अगर वो उठाती है तो ठीक, नहीं तो दोस्तों इसे निकाल के मैं बाहर फेंक दूँगा या फिर रखे रहने दूँगा, कोई मसला नहीं है ऐसा। वो उठाएगी नहीं उठाएगी, इनका डर निकल जाता है करीब जाते हैं तो। खैर अगर ये रख ले तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, इसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी नेस्टिंग के लिए, इसके घोंसले के लिए। अंडे तो ये वैसे भी दे देगी अगर देने होंगे, पर उसमें ज़्यादा आसानी हो जाती है दोस्तों अंडों को भी और इसको खुद को भी। ये देखें दोस्तों इसकी हरकतें चेक करें आप, इन सब के बीच में घूम रहा है और हमारे जो कबूतर है ना उनके पैरों पे ऐसे काटने का आदी है ये शख्स। तुम कहाँ बीच में आ रहे हो चाचा, ये देखें दोस्तों, ये ऐसे भागते हैं कबूतरों के पीछे, हमारे उनके पैरों के पीछे भागता है छोटा सा नन्ना सा सिर्फ काटने के लिए। ये देखें चलो नीचे जाओ, अपनी जगह पे जाओ नहीं तो तुम धुल जाओगे। इधर आ जाओ यार, ये बहुत ख़तरनाक हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा। सिर्फ पानी पीने में इसको निकालता हूँ बाहर और दाना गरा डालना है, पर भाई नहीं ये नहीं मानता, शायद लग जाओ खाने पीने। अरे कहाँ घूम रहा है दोस्तों, कोको है ना पिटेगा किसी ना किसी से। इधर आ जाओ, चलो अपने भाई के पास जाओ, चलो अंदर, पता नहीं क्या लगी रहेगी, कबूतरों के पैरों पे मारता रहेगा टू 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 टू। तुम अंदर ही ठीक हो समझे ही गल, भाई ये नहीं मान रहा था, लड़े जा रहा है बार बार, तंग करे जा रहा मुझे भी, मैंने इसको बंद ही कर दिया। दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी है और जो हमारे कॉकटेल हैं इसका नर तो बाहर है पर मादा अंदर ही है, देखें अभी भी अंदर ही बैठी हुई है, अभी तक इन्होंने नहीं उठाया। अब हमें पूरे एक दिन का वेट करना पड़ेगा कि कल देखना पड़ेगा कि इसने नेस्टिंग मटेरियल उठाया या नहीं, इसके काम आया या नहीं, ये ले जा रही है या नहीं, तो कल तक का वेट करेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बाकी हमारा काम था दोस्तों इसको प्रोवाइड करना, प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर इसने वो मटेरियल रख लिया तो अच्छी बात है, तो फिर मैं और इसको डाल दूंगा ताकि ये वो मटेरियल भी ले जाए। तो हमारे जो ये हैं ना पापोश, ओ पापोश, ये बेचारे इससे डर रहे हैं, ये नन्नी सी जान से। यार तुमने सबका जीना आराम करवा, इधर आओ, ये देखें फिर उसके पाँवों के पीछे, ये इधर आ जाओ। क्या लगा रखी तुमने, हर तीसरे को तुम तंग करे जा रहे हो, छोड़ दूंगा इसके पास, काट लेगा वो, चलो अंदर जाओ, वो भी तो है तुम्हारा भाई। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया भाई आज, और एक चीज़ की रिक्वेस्ट है यार दोस्तों, दुआ करें कि हमारे इलाके में जो है ना बहुत ज़्यादा एरिया में गर्मी बहुत हो रही है, एरिया क्या मतलब हमारे इधर शहर में, तो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह पाक से जल्द इस गर्मी को कम कर दे, थोड़ा ठंड का मौसम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे जितने परिंदे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से। ये देखें ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पानी वगैरह तो मैं अवेलेबल कर देता हूँ पर गर्मी की शिद्दत ये सह नहीं पाते हैं, तो बहुत परेशान रहते हैं, और इनके लिए भी दुआ करें कि मेरे जितने परिंदे वो हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।